पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर हजारों प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग के गेट पर एकत्र हुए और विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में RO, ARO और पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर एक और विवाद खड़ा हो गया है। परीक्षा पत्रों के लीक होने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। अभ्यर्थी न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। शुक्रवार को सैकड़ों अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग के गेट के बाहर एकत्र हुए और दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर आवाज उठाई। वही छात्रों का कहना है कि हम महीनों से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अब हमें पता चला कि पेपर लीक हो गए हैं। ये सिर्फ हमारे भविष्य का मामला नहीं है बल्कि भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता का भी मामला है। अभ्यर्थी इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं और आश्वासन मांग रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। वे ये सुनिश्चित करने के लिए दोबारा परीक्षा की भी मांग कर रहे हैं कि सभी उम्मीदवारों को सफलता का समान मौका मिले। अभ्यर्थी अपनी मांगे पूरी होने तक अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने पर अड़े हैं। यही है कि जो एक हफ्ते से हम लोगों का आंदोलन चल रहा है RO, ARO परीक्षा के लीक पर, उसको सरकार तुरंत माने, अपनी गलती को स्वीकार करे। इसमें यह ना सोचे कि हमारी फजीहत होगी। अगर आपने गलती की हो, गलती को स्वीकार करते हैं तो हम सभी युवा इसका स्वागत करेंगे। अगर पेपर कैंसिल नहीं किए तो पूरी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी भारत की सरकार हिला देंगे। हम प्रयागराज वाले युवा यहां से हटेंगे नहीं हम लोग। और दूसरी बात यह है कि जो होम सेंटर आप लोग बनाते हैं, UPPCS के एग्जाम में आप होम सेंटर बनाते हैं, टेट पटाई में आप भेजते हैं सीतापुर, बहराइच और लंदन और स्विट्जरलैंड, आप होम सेंटर बिल्कुल न रखिए और इस भर्ती को कैंसिल करिए। आपके ही सांसद विधायक अपने स्कूल में सेंटर लेके पेपर को लीक करवाते हैं और अरबों खरबों का खजाना अपने अंदर भरते हैं। मांग यही है कि पेपर लीक हो, अगर लीक हो गया है तो उसको निरस्त किया जाए और संजय सिंधनेत को बर्खास्त किया जाए और इसके साथ साथ री एग्जाम लिया जाए। लॉलीपॉप नहीं चलेगा। अभिनंदन प्रतियोगी छात्र इलाहाबाद।